मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धाक बढ़ रही है। संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब तक, मिस्र से लेकर ब्रुनेई आज पीएम मोदी को सलाम कर रहे हैं। ये वो मुस्लिम देश हैं जो कि पीएम मोदी के कायल हैं, और ऐसी तमाम तस्वीरें आप सर्च करेंगे तो मोदी की मुस्लिम देशों के साथ केमिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसी ही केमिस्ट्री आज ब्रुनेई में भी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन के दौरे पर ब्रुनेई पहुंचे। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा है। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर है जब दोनों ही देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 40 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मुस्लिम मुल्क की इस यात्रा के मायने बेहद खास हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये तस्वीरें मोदी और मुसलमान को अलग करने वाली खाई को पाटने वाले ब्रिज की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी का जहां पर दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नुरूल इमान में भव्य स्वागत किया गया, तो इससे पहले ब्रुनेई की राजधानी बंदर सैरी बैगवान के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ मुलाकात की, एक बच्ची के साथ बातचीत की जिसने अपना स्केच भेंट किया और पीएम ने उसे अपना ऑटोग्राफ भी दिया है। दोनों तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री के ब्रुनेई पहुंचने से लेकर वहां पर प्रवासी भारतीयों से मिले स्वागत सत्कार की। ब्रुनेई दौरे की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, और न सिर्फ ब्रुनेई। अब तक प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी मुस्लिम देशों के दौरे हुए, वहां के प्रिंस पीएम मोदी का वेलकम करने पहुंचे। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा क्यों खास है, आप ये भी समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। ये मस्जिद देश की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिद है, और मिडिल ईस्ट में पीएम मोदी कई मस्जिदों का दौरा कर चुके हैं। मिस्र हो, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान और यूएई में मोदी मस्जिदों का दौरा कर चुके हैं। इन मस्जिदों में मुस्लिम धर्म के लोग इबादत करते हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचकर एक बड़ा संदेश देते हैं। पीएम मोदी पिछले साल जून में मिस्र के दौरे पर गए थे, और इस दौरान उन्होंने काहिरा में 1000 साल पुरानी अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। 11वीं सदी की मस्जिद काहिरा में दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। इस मस्जिद का भारत से भी कनेक्शन है, क्योंकि अल हकीम मस्जिद की मरम्मत का काम भारत में रहने वाले दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों की मदद के साथ पूरा हुआ है। ब्रुनेई से लेकर ओमान तक पीएम मोदी कब कब मस्जिद पहुंचे हैं? ब्रुनेई पहुंचे जहां पर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का उन्होंने दौरा किया। जब वो अपने इजिप्ट दौरे पर थे तो अल हकीम मस्जिद पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिर जब यूएई में प्रधानमंत्री मौजूद थे तो शेख जायद मस्जिद भी वो पहुंचे। ओमान में सुल्तान काबूस मस्जिद पहुंचे, और सिंगापुर में चूलिया मस्जिद में भी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आपको यह भी बता दूं कि दुनिया में इस वक्त 4 बड़े धर्म हैं। जाहिर है, हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई और बौद्ध धर्म। वैसे तो मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में है, लेकिन उनमें से ज्यादातर उत्तरी और मध्य अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, और इन क्षेत्रों के कई देशों में 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी नजर आती है। भारत का नाम भी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाले शीर्ष के देशों में शुमार है। दरअसल दुनिया में 1.9 अरब से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। दुनिया में मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया पहले नंबर पर है। यहां पर 24.2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहे, जो कि इंडोनेशिया की कुल आबादी का लगभग 87% है। मुस्लिमों की जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, जहां पर 24 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है। इस लिस्ट में तीसरा नंबर भारत का है, क्योंकि 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान यहां पर रहते हैं। हालांकि कहने को तो ब्रुनेई एक छोटा सा देश है जो कि एक द्वीप पर बसा हुआ है, लेकिन इनके सुल्तान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। इसके साथ ही ब्रुनेई में भारतीय कितने रहते हैं? जिस ब्रुनेई मुस्लिम देश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, वो ब्रुनेई एक मुस्लिम देश है। बावजूद इसके यहां न सिर्फ हिंदू रहते हैं, बल्कि अपने उनके मंदिर भी हैं। कुल आबादी जो है ब्रुनेई की 44 लाख से अधिक है।
अगर भारतीयों की आबादी की बात करेंगे तो 14,500 भारतीय यहां पर रहते हैं। 82% मुस्लिम आबादी 200 से भी कम है। ब्रुनेई दारुसलाम में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय बसते हैं। प्रवासी भारतीयों में वहां पर काम करने वाले लोग हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ब्रुनेई भी प्रवासी भारतीयों के योगदान को मानता है और कई मौकों पर सरकार ने उन्हें सम्मान देकर इस पर मुहर भी लगाई है। हाई कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि एडुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और बिजनेस के क्षेत्र में भारतीय जुड़े हुए हैं। ब्रुनेई में ही मोहेंद्र सिंह पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें यहां पर प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को बीते 10 साल में 14 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है और इसमें मुस्लिम देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। जैसे कि साल 2023 में 25 जून को प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे इजिप्ट और वहां पर उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। उससे पहले 22 मई 2023 को 3 देशों पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ गणराज्य भी पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। 25 अगस्त 2019 बहरीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा और इसके ठीक एक दिन पहले 24 अगस्त 2019 को यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा था। 8 जून 2018 को मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान भी दिया। 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। 4 जून 2016 अफगानिस्तान ने पीएम मोदी को सम्मानित किया था और साल 2016 को सऊदी अरब और मालदीव ने सम्मानित किया था। पीएम मोदी का एक ग्लोबल लीडर के तौर पर ओहदा लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशी धरती पर उन्हें कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि कई संगठन और संस्थाएं भी पीएम मोदी को इस तरीके के बड़े पुरस्कार से नवाज चुकी हैं।